सबसे पहले तो इक्वेशन हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको अदरवाइज डेफिनेशन से ही अच्छे से आती हैं। एक बार मैं कैलकुलस मेथड से भी इनको सॉल्व करने के बाद आई विल बी कमिंग टू द केस ऑफ बेटे योर प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा। आइए बेटे इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड बेटा इसमें हम बेटे फर्स्ट इक्वेशन की जब बात करते हैं हमारे पास बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है। एंड थर्ड इक्वेशन में बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर 2 AS के बराबर है। ये तीन आपकी बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनकी आप बेटे बाई यूजिंग कैलकुलस मेथड डेरिवेशन करना चाहते हो। सबसे पहले तो बेटे एक्सेलरेशन हमारा जो है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ करता है, dv/dt हुआ करता है। आप इनको टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डी वी को a(dt) करके लिख लीजिए, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रल dv इज इंटीग्रल a(dt), ये u से v कर दीजिए एंड आपका जो है टाइम 0 to t आप कर सकते हो। जब आपका टाइम 0 है इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u होगी और t टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी v के बराबर आपको मिल जाएगा। ए को आप एडजस्ट कर सकते हो आउटसाइड दिस इंटीग्रल, तो इट विल बी 0 to t एंड dt बेटा। आप अब dv का इंटीग्रल आपका v हो जाया करता है, u टू v लिमिट्स डाल दोगे आप, ये सच है। dt का इंटीग्रल इट विल बी t एंड 0 to t आप लिमिट्स पुट कर सकते हो बेटा। सो पहले आपने अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट a इनटू पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी एंड v इज इक्वल टू u प्लस a इनटू t। सो दिस इज हाउ बेटे आप फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ योर कैलकुलस मेथड और बाय मेकिंग यूज ऑफ द इंटीग्रेशन एज सच, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बाद बेटे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सेम टेक्निक सेम मेथड बेटा, आइए सेकेंड इक्वेशन को भी कंसंट्रेट करके देखें, डिराइव करके देखें बेटा एक बार। सेकेंड इक्वेशन में आप डिस्टेंस कैलकुलेट किया करते हो और आपका जो वी है ये बेटे dx/dt आप कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको बेटा जो है ये स्पीड दे दिया करता है। आप इंटीग्रल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dx विल बी इक्वल टू v इनटू dt हो जाएगा। बट प्रेजेंटली आपने अभी अभी कहा था v इज इक्वल टू u प्लस at के बराबर है, आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी कर लोगे आप बेटा। नाउ व्हाट वी कैन फर्दर डू इज दैट बेटा हम इस केस को बेटा इस इक्वेशन को रादर इंटीग्रेट करने से पहले डी टी को एडजस्ट करेंगे। डी एक्स इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी आपको मिल जाएगा। अब आप बेटे इसको इंटीग्रेट कर दोगे और इंटीग्रेट जब आप करोगे तो यू विल बी गेटिंग दैट बेटा आपका इंटीग्रल ऑफ दिस डी एक्स जो है इट इज इंटीग्रल ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ ए टी डी टी हो जाएगा। डी एक्स के इंटीग्रल को ध्यान से देखिएगा, आप जनरली इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे फाइनल पोजीशन एक्स लिया करते हो और टाइम आप 0 से टी तक कंसिडर किया करते हो
और आप ऐसे कर सकते हैं। जो फैक्टर्स आपके इंटीग्रल से बाहर एडजस्ट हो सकते हैं इनको एडजस्ट करिए। इंटीग्रल डी एक्स एक्स नॉट टू एक्स दिस इज इक्वल टू यू इंटीग्रल डी टी जीरो टू टी प्लस ए जीरो टू टी टी इन टू डी टी आ जाएगा। अब आप जब इंटीग्रेट करोगे आपका डी एक्स का इंटीग्रल बिटी एक्स हो जाएगा, इट विल बी एक्स नॉट टू एक्स, इट इज यू इंटीग्रल ऑफ डी टी इज टी जीरो टू टी आ जाएगा प्लस ए इंटीग्रल ऑफ टी डी टी इज टी स्केयर बाई टू जीरो टू टी आ जाएगा। राइट बेटा, तो जब ये हो जाएगा आपका सारे का सारा, अब आप अपनी वैल्यूज पुट कर दीजिए अपर और लोअर लिमिट्स की। एक्स माइनस एक्स नॉट दिस इज इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस ये टू को आप बाहर एडजस्ट कर सकते हो ए बाई टू एंड इट इज योर टी स्क्वायर एस एच, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो एक्स माइनस एक्स नॉट आपको एस दे देगा बेटा, इट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड यूज करके आप अपना जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको बेटे इस हिसाब से डिराइव कर सकते हो। आइए बेटे वन और टू मिनट्स थर्ड इक्वेशन पे भी डिवोट करके देखें कि हम थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। लेट अस बेटर कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो। आइए देखें थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है, लेट अस कंसंट्रेट। आपके पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस के बराबर है। आप जानते हो आपका जो एक्सेलरेशन है बेटा ये डी वी बाई डी टी के बराबर हुआ करता है। यहां पे मैं डी एक्स के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि जो रिलेशनशिप है हमारा इसमें हम कुछ इस तरीके की अमेंडमेंट कर लें, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हमने ऐसे किया। और फर्दर मोर बेटे आपका जो है ये चीज डी वी बाई डी एक्स इसको आप बेटे ऐसे ही रहने दोगे, डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आपका है ये बेटे आपको वेलोसिटी दे दिया करता है। ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स हम ऐसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आप अपने डी एक्स को लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट बेटा, आपके पास आ गया इंटीग्रल ए डी एक्स इट इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी वी यू टू वी एंड इट इज बेटे एक्स नॉट टू एक्स आप कर सकते हो, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स की वैल्यूज को यूज कर सकते हो। ए आपका कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्स नॉट टू एक्स कर लीजिए डी एक्स एस एच और ये आपका वी डी वी ये एस एच रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डी एक्स का इंटीग्रल आपको एक्स मिल जाएगा, सो इट इज ए एक्स एक्स नॉट टू एक्स बी डी वी का इंटीग्रल बी स्क्वायर अपॉन टू एंड यू टू वी आपके लिमिट्स आ जाएंगे बेटा यहाँ पे। और जब आप पुट करोगे लिमिट्स तो आपके पास भी आएगा ए इट इज एक्स माइनस एक्स नॉट एंड इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा बेटे। और आप अच्छे से जानते हो कि जो आपका x माइनस एक्स नॉट है इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट होता है। सो a इंटू एस बन गया बेटा, इसको s लिखा मैंने, बी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन टू, ये टू को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर और आपका जो है वी स्केयर
माइनस यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टू ए एस, आप थर्ड इक्वेशन को इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अंजलि, हरनूर, ख्याति, नमन, रमन, वंश, वंश कपूर, दिव्यो, दिया, बेटे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है ये सारा? शुड आई प्रोसीड अहेड बेटा? ओके देन बेटे, इसके बाद बेटे मेरे पास आ जाता है तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, उसको हम बेटे यूज किया करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर सेकंड के लिए। उसमें आप बेटे nth सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको वर्कआउट करोगे। सो आइए बेटे देखें द केस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। बेटा इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, आपको करना जरूर आना चाहिए, पेपर का पैटर्न जैसे मर्जी हो लेकिन बेसिक्स हमें जरूर पता होने चाहिए। सो डियर चिल्ड्रन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन के nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करना है कैसे बेटे कर सकते हैं? आप लोग जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर हुआ करता है। अगर मैं t को बेटे मान लूं मेरा n सेकंड्स है तो आई विल गेट s डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द n सेकंड्स और इन n सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू un प्लस हाफ a एंड n का स्क्वायर। आई मेक ऑल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन n माइनस वन सेकंड्स बेटा कितना होगा? इट विल बी s n माइनस वन, इट इज u n माइनस वन प्लस हाफ a एंड n माइनस वन का स्क्वायर। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बेटे 10th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालना चाहते हैं तो आप 10 सेकंड्स में से 9 सेकंड्स का डिस्टेंस कवर्ड माइनस कर दीजिए, आपके पास डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द 10th सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 8 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालना चाहते हैं आप क्या करिए, 8 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 7 सेकंड्स में कितना है, माइनस कर दो, 8 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड आपको मिल जाएगा। अब बेटे आपको बिकॉज nth सेकंड में करना है तो आप s nth जो है इट विल बी s n माइनस वन हो जाए। इसकी बेटे एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवाऊंगा भी आपको। s nth बन गया बेटा u n प्लस हाफ a n का स्क्वायर माइनस u n माइनस वन प्लस हाफ a n माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर, ऐसे किया जा सकता है। पहले आप इसको सॉल्व करोगे फिर ब्रैकेट को ओपन करोगे। सो s nth बेटे आपके पास आ गया u n प्लस हाफ a n का स्क्वायर माइनस u n माइनस वन प्लस हाफ a n का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू n। ये चीज बेटा बन गई, जरा चेक कर लीजिएगा। अब मैं ब्रैकेट सारी ओपन कर दूंगा एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस बेटा। इट इज यू एन पहली टर्म है सच, हाफ ए एन स्क्वायर भी है सच। अब देखिएगा, पहले ये भी खोल लेना चाहिए फिर ही ब्रैकेट बड़ी वाली खोलते हैं। इट इज यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर एंड इट इज वन बाई टू ए एंड माइनस ए एन। ये चीज आपको मिल गई। अगर ऐसा है देन बेटे लेट अस फर्दर सॉल्व दिस। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इट इज यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन का स्क्वायर एंड देन हमारे पास बेटे बनेगा माइनस वन बाई टू ए एंड प्लस ए एन। ये चीज हमें
मिल गई बेटा। तो जो फैक्टर्स आपके कट रहे हैं उनको कट कर दीजिए, जो आपके फैक्टर्स बच रहे हैं उनको आप बचाइए। यूएन से यूएन कट गया, हाफ ए एन स्केयर से हाफ ए एन स्केयर, और बाकी जो चीज बच गई है हमारे पास एस एन एथ इज इट इज बिटे यू एंड माइनस ए बाई टू प्लस ए इंटू एन। जरा चेक करेंगे बेटे सारे स्टूडेंट सही बन रहा है। इसको हम फर्दर मोर एस एन एथ को फिर ऐसे कर लेते हैं, यू प्लस ए बाई टू मैंने लिया कॉमन है माइनस का लेकिन मैंने प्लस का कॉमन लिया है, तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ए बाई टू है नहीं तो इट विल बी आपके पास बेटा टू एन हो जाएगा, टू से टू कट गया अपने आप ए एन आ गया और इसको मैंने माइनस वन कर दिया। सो यू इज इक्वल टू ए बाई टू एन टू टू एन माइनस वन, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द nth सेकंड ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी बेटा किसी भी स्टूडेंट को, अगर है तो बता दीजिए बेटा। अदिति, अदिति बेटा, अदिति यस सर, बेटा क्लियर है सारा? यस सर। ओके चलें आगे फिर बच्चों, बाकी स्टूडेंट्स बेटा सारे बच्चे बेटर, किसी को कोई डाउट वाली बात तो नहीं है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अंजलि से स्टार्ट करके अप टू द लास्ट चाइल्ड बेटा, मैं नाम नहीं सबके ले पा रहा हूँ बेटा, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ जी पुत्र समझा दो सर, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये सर, क्रॉस प्रोडक्ट कोई नहीं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट देख लो बेटे, आई विल बी जस्ट हैविंग दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट बेटा। आइए पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसमें क्या, यही तो मैं पूछ रहा था आपसे बिगनिंग से कि आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो बता दीजिए, मैं पहले वो ही करवा देता हूँ राइट बेटे। चलिए अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, आपको कोई भी दो वेक्टर्स दिए गए हैं आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो बेटा, आपके पास एक ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास बी वेक्टर है और आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहते हो। हमेशा याद रखिए अगर आपका ये ए वेक्टर है इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग आपका बी वेक्टर है, ए से बी की तरफ आप अपना एंगल थीटा बना लीजिए, अपना राइट हैंड होल्ड करके राइट हैंडेड स्क्रू रूल अप्लाई करिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ बेटा फोल्ड करिए, जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, दैट इज यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स ऐसे दिए गए हैं आप अपना ऐसे हैंड करोगे तो इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ दीज वेक्टर्स हैं और इसको मैंने सी वेक्टर बोल दिया बेटा, और आपका जो सी वेक्टर है ए और बी दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन अदरवाइज अगर बेटे मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल थीटा स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू, और एन कैप आपको डायरेक्शन जो है ये दे दिया करता है आपके क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट की। इसमें बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं, इन द एंड आपको एक वेक्टर मिलता है। अब कैसे वेक्टर मिलेगा वो भी जरा समझ लीजिएगा बेटा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे, मान लीजिए ए वेक्टर जो है इट इज टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, एंड बी वेक्टर जो है इट इज बेटे आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप है, और आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, इट विल बी आई जे के, ये आ गया जी टू आई का कोफिशियंट,
जे का कोफिशियंट वन है, के का कोफिशियंट माइनस बी है, आई का कोफिशियंट वन है, जे का माइनस वन है और के का अगेन टू है, आपने ऐसे किया। अब आप क्या करिए, इस क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा सॉल्व कर लीजिए एंड लेट अस फाइंड कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे बच्चों को कई बार दिक्कत आया करती है, जरा देख लीजिएगा। आई कैप आपने ऐसे ही रख लिया एंड टू इंटू वन टू माइनस इनका प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू टू माइनस थ्री हो जाएगा बेटा। फिर से देखिएगा, एक लाइन आपने ऐसे एक ऐसे लगा दी, दिस टर्म इंटू दिस टर्म माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म, खत्म हो गई बात। देन माइनस जे कैप, ये माइनस साइन अपनी तरफ से लगाया है, एक लाइन ऐसे लगाइए, एक ऐसे लगाइए, टू इंटू टू फोर माइनस थ्री इंटू वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का थ्री हो गया और ये के कैप आ गया आपके साथ। आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे और ऐसे, दिस इज माइनस टू माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस सेवन जे कैप एंड माइनस थ्री के कैप। ये आपके पास लेके आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये निकल आता है। सो दिया बेटा, दिया दिया बेटे, क्लियर हो गया? यस सर। कोई और बात है तो बताइए। नो सर। ओके देन, एनी अदर चाइल्ड हैविंग एनी बेटे पॉइंट, सो दैट आई कैन रिपीट दैट बेटा। डियर चिल्ड्रन, अंजलि, देन हरनूर, ख्याति, नमन, राघव, रमन, वंश कपूर, दीक्षा, देवनूर, दिया, गुरसिमरन, हरमन, आदिति एंड देन बेटा डियर चिल्ड्रन, आदिति के बाद इश्नूर, जपन, प्रीत एंड निधि, प्रभदीप। यस बेटा डियर चिल्ड्रन, शुड आई प्रोसीड अहेड? कोई आपका पॉइंट है बेटे डिस्कस करने वाला, जरूर बताइए। चलिए बेटे, एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक मैं जरूर आपको करवाना चाहता था, दैट इज प्रोजेक्टाइल गिवन सम एंगुलर प्रोजेक्शन। बेटा आइए बच्चों देखें इसको, प्रोजेक्टाइल गिवन सम एंगुलर प्रोजेक्शन। बेटा आपके पास ये एक वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिए गए हैं, ये आप एक्स एक्सिस बोल दो, इनको वाई एक्सिस बोल दो। आपने अपना ऑब्जेक्ट बेटा इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया। आपका जो प्रोजेक्टाइल है ये इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री कवर करता करता इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, आप इसको ए पॉइंट कह सकते हो। ओ से लेकर ए तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट और टोटल टाइम जो लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, और ये आपका टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर, और टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर रहता है, तो आप इसको टू टाइम्स टाइम ऑफ असेंट भी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लीजिएगा, इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा, इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा यू साइन थीटा। आपने आपका जो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस, ये इक्वेशन यूज किया। एक्स नॉट आपका जनरली ओरिजिन होता है, x इज इक्वल टू बेटे यू एक्स, दिस इज यू कॉस थीटा, आप ये कर चुके हो, t के साथ आपने मल्टीप्लाई कर रखा है और एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल है नहीं है, जीरो है, दिस टर्म विल बी जीरो। एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इन टू टी एंड टी आपको यहां से एक्स अपॉन यू कॉस थीटा करके मिल जाएगा अगर आपको जरूरत हो तो।
वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आप इस इक्वेशन को यूज करिए, y माइनस y नॉट इज यू वाई इन टू टी प्लस हाफ ए वाई इन टू टी का स्क्वायर, y नॉट आपका ओरिजिन पे है तो ये जीरो हो जाएगा, यू वाई आपका u साइन थीटा के बराबर आप ऑलरेडी देख रहे हो, सो दिस इज बिटे u साइन थीटा एंड टी एस एच, जब आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो ये जी के बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर एस एच रह जाएगा, ये टी आपने जो निकाल रखा है इसको यहां पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, आपके पास वाई जो है यू साइन थीटा एंड टी बन गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस वन बाई टू जी इट इज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया एंड वाई फिर आपके पास आ गया, बेटे यू से यू कट गया, इट इज एक्स टेन थीटा और इट इज वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, इसमें जी भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, थीटा भी आपने फिक्स रखा हुआ है, सो वाई इज इक्वल टू बेटे एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, यहाँ ऐसे कह लीजिए, इसको सारा ब्रैकेट में डाल दीजिए, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड एक्स का स्क्वायर कर लीजिए, ये चीज आपके पास बेटे बन जाएगी और आप इसको ध्यान से देखोगे अगर तो इसमें आपको ये बेटे पैराबोलिक पाथ की ट्रैजेक्टरी जो है इंडिकेट हो जाती है, सो ऑन दिस बेसिस वी ऑलवेज से दैट बेटा जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है इट इज पैराबोलिक इन नेचर। टाइम ऑफ लाइट निकालने के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को ओ से लेकर ये मैक्सिमम हाइट तक ले जाइए, आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट जीरो हो जाएगा, u आपका u साइन थीटा है, a आपका माइनस जी के बराबर है बेटा और t को आपने t a कह दिया, ये चीज आपके पास नहीं गई, और g इंटू टाइम ऑफ असेंट इट इज u साइन थीटा, टाइम ऑफ असेंट इज u साइन थीटा अपॉन g, और हमने अभी अभी कहा था टोटल टाइम ऑफ लाइट भी इसका डबल हो जाया करता है, सो आपका टाइम ऑफ लाइट t जो होगा इट विल बी टू यू साइन थीटा अपॉन जी, इसके बराबर हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, दिस इज योर टाइम ऑफ लाइट राइट बेटे। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करता है आप इसको रेंज बोलते हैं, एंड इट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई द होल टाइम पीरियड, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, इट इज यू कॉस थीटा कैपिटल टी आपने ये निकाल रखा है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आफ्टर सॉल्विंग हमें हमारा रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट आई जो है वो मिल जाएगा, लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दिस बेटा। रेंज आपके पास आ गया जी यू कॉस थीटा, नहीं लेट मी रीराइट इट बेटा, यू इंटू यू विल बी यू स्क्वायर टू u square 2 sin theta cos theta upon g, 2 sin theta cos theta because sin 2 theta हुआ करता है, so range will be equal to u square sin 2 theta upon g आ जाएगा आपके पास, so in this way आप अपने projectile की range निकाल सकते हैं। लेकिन बेटे बहुत बार आपको कहा जाता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल के बताइए, तो बेटे आपका रेंज आर जो है आर विल बी मैक्सिमम
अगर आपका जो साइन टू थीटा है ये वन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू वन से ज्यादा कभी होती नहीं। आप पुट कर दीजिए साइन ऑफ एंगल टू थीटा, आपका साइन 90 होगा तभी ऐसा होगा ना, तो टू थीटा 90 आ गया एंड थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पर जब आप प्रोजेक्ट करोगे आपकी प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है इट विल बी मैक्सिमम। देन आप रेंज निकाल भी सकते हो, आर मैक्सिमम आएगा कितना, दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर आ जाएगा, बिकॉज ये आपका साइन टू थीटा जो है इट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 डिग्री। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड डियर चिल्ड्रन। आपका कोई पॉइंट स्टिल रहता है मुझे बता दीजिए, आई कैन रिपीट दैट, अदरवाइज विद आई विल एंड द मीटिंग। यस विद डियर चिल्ड्रन, अंजलि से स्टार्ट होकर लास्ट चाइल्ड मेरे पास प्रदीप है बेटा, सबका नाम बच्चों का मैं नहीं ले रहा हूँ। यस विद डियर चिल्ड्रन, ओके देन बेटे, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट बेटा, थैंक यू ऑल।